हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, चमन सलाम, कैसे हो दोस्तों? आशा कि आप सभी लोग राजी खुशी होंगे। दोस्तों आज आपको ले चलता हूं मैं ध्वजारोहण के लिए अपने पंचेरी भवन में। मेरे पीछे आप ठीक देख रहे होंगे भारत का तिरंगा झंडा लहरा रहा है और ये हमारा पंचायत भवन है, आप देख रहे होंगे। इसके बाद मैं आपको लेके चलूँगा, यहाँ दिखाना चाहूँगा आपको, मैं आपको वीडियो दिखाऊँगा मैराथन का। पहले दिखाऊंगा आपको ध्वजारोहण का, उसके बाद मैराथन का। तो ठीक है दोस्तों, बने रहे आप मेरे साथ। नमस्कार, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं पंचायती भवन उसाड़ा, इनके हमारे ग्राम पंचायत का एक भवन है, उसमें पहुंच चुका हूँ। आज ध्वजारोहण होना है यहाँ पर, तो मैं दिखाना चाहूँगा ये हमारा पंचायत भवन उसाड़ा और पंचायत भवन जी बैठे हैं। तो प्रधान जी, आज इस अवसर में 15 अगस्त के अवसर पर आप पहुँचे यहाँ, कुछ खास आज कुछ ध्वजारोहण के विषय में कुछ कहना चाहेंगे आप ग्राम वासियों को? आज शासन की तरफ से ये आदेश हुआ है कि हर ग्राम सभा में ध्वजारोहण किया जाएगा और ये पहली बार हुआ है कि बड़ी खुशी की बात है कि सार्वजनिक स्थान होता है ग्राम सभा का पंचायत भवन और उसमें ध्वजारोहण होना जरूरी भी है। तो इसके लिए हमारे ग्राम सभा के बहुत सारे लोग आ गए हैं यहाँ और तुरंत इसके बाद ध्वजारोहण मिलते हैं आपको आगे। तो बात जारी रहेगी जब तक ध्वजारोहण नहीं होता। आपको बाहर दिखाना चाहूँगा हमारा ध्वजा तैयार। कि पहली बार आज प्रशासन की तरफ से ये दिशा निर्देश हुए हैं कि ग्राम सभा का एक जो सर्वश्रेष्ठ जहाँ पे बैठने की जगह होती है, पंचायत भवन सार्वजनिक जगह होती है, तो वहाँ पे जो है एक ध्वजारोहण होना चाहिए। और ये लोकतंत्र के अंतर्गत ये चीज़ें होनी भी चाहिए कि जहाँ पे सार्वजनिक स्थानों पे सार्वजनिक मीटिंग होती हैं, सभी लोग आते हैं, तो राष्ट्र का ध्वजारोहण होना भी अति आवश्यक है। इसी के साथ मैं 75वें स्वतंत्रता दिवस की अपने सभी ग्रामवासियों को और वीडियो मेकर प्रदीप भाई पूर्व प्रधान को हार्दिक धन्यवाद देता हूं। थैंक यू। तो दोस्तों यहां पर अभी ध्वजारोहण हो चुका है, तो यहां पर समस्त ग्राम उसाड़ा के बच्चे और बुजुर्ग महिलाएँ सभी लोग ध्वजारोहण के अवसर पर आए। तो आप सभी लोगों को हमारे YouTube चैनल अपना पहाड़ जीवन उत्तराखंड की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, भारत माता की जय। भारत माता की जय। उसके बाद प्रधान जी के द्वारा लड्डू वितरण किया जाएगा बच्चों को।
इसके बाद बच्चों को लड्डू वितरण किया जा रहा है यहाँ पर। प्रधान जी अभी निकालो, तुम निकालते पहले, अभी निकालो, अच्छा लगता अब सब लगभग वही लास्ट एजेंट अब मेजो लगभग अभी निकालो निकालो तो इस प्रकार से लड्डू वितरण कार्यक्रम हो चुका है। सब दादी आया पर टुकड़ी मार दी एक एक है उसमें सब निकालो के गौ निकालो तो दादी तुम खेल तुम भी होता तो यहाँ से मैराथन दौड़ शुरू हुई थी और उसके पीछे 1 किलोमीटर 23 स्टॉप तक आए थे और उसके बाद वो दौड़ हुई थी रोड बाय रोड यहाँ से और ठीक जहाँ पर आपको कुछ बोर्ड दिखेंगे यहाँ पे इस पेड़ के पीछे जो ठीक जो स्पॉट दिख रहा है जहाँ पर कुछ वाइट बोर्ड है वहाँ तक दौड़ हुई थी। तो चलो चलते हैं आपको मैराथन दौड़ दिखाने दोस्तों, चलो आप भी चलो मेरे साथ मैराथन दौड़ देखने के लिए। और ये आज का वेदर है, लगातार नौजवानों द्वारा अपने हौसले का राकेश के मुझे आप देख सकते हैं भागो 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 सबस 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 सबस
देखो काफी अच्छे शाबाश आराम से भाग लो खड़े रहो बैठ सबका भरोसा सबको आनंद वेलकम सबका करो अच्छा लगे ना बच्चे दौड़ मारे बच्चे सबको आनंद सबको जगह वेलकम करो इनको शाबाश शाबाश वेलकम सबका करो वेरी गुड दौड़ सबका वेलकम है बच्चों ये हमारे जगदीश नेगी जी आया बेटा आजा अरे दौड़ पूरी मानना बहुत बड़ी बात है आजा बेटा दौड़ पूरी करना बहुत बड़ी बात है आजा बेटा भर्ती होना है भाई लोगों भर्ती शाबाश आजा बेटा शाबाश दौड़ पूरी मानना बहुत बड़ी बात है नंबर बहुत दौड़ पूरी मानना बहुत बड़ी बात है आजा बेटा दौड़ पूरी करना बड़ी बात है बेटा आजा आर्मी में तुम सब सेलेक्ट हैं भाई आजा बड़ा आर्मी के लिए फुल रोड आर्मी के लिए बढ़िया आर्मी के लिए फुल बढ़िया आजा मैं आजा बेटा बात लगे है अभी कम है बेटा आजादी का 75वीं वर्षगांठ है और इस अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के बैनर तले सभी मंडलों में एक संकल्प एक दौड़ देश के नाम कार्यक्रम से ये मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है। उखीमठ मंडल में भी मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा मनोज नेगी के नेतृत्व में ये दौड़ आज यहाँ पर संपन्न हुई है और इसमें प्रथम द्वितीय और तृतीय पुरस्कार दिए जाएंगे। मैं सभी प्रतिभागी जिन्होंने भी इस दौड़ में भाग लिया है सबको शुभकामनाएं देता हूं
और बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी प्रतियोगिता में भाग लेना। और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा मंडल उखीमठ को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उनके सफल संचालन में ये कार्यक्रम आज विधिवत रूप से संपन्न हुआ। आप सबका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद धन्यवाद राणा।